जय माता दी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर माह 2021 के 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए ये सात दिन कैसे रहेंगे, इन दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, क्या योग बनेंगे, चंद्रमा की स्थिति क्या होगी, क्योंकि चंद्रमा जिस भाव में होते हैं उसी के अनुसार दिनचर्या बदलती है, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो इन सात दिनों में ऐसे कौन से बदलाव होंगे, ऐसे कौन से योग होने वाले हैं जिनका शुभ प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है, जानेंगे आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के बारे में। फिर वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, करियर हो, नौकरी हो, दुकान हो, हर चीज के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो हम बात कर रहे हैं 20 दिसंबर से और 26 दिसंबर तक के तुला राशि फल के बारे में। और ये जो सात दिन है, इन सात दिनों में जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो मिथुन, कर्क और सिंह इन तीन राशियों में होगी। यानी जो चंद्रमा है वो इन तीन राशियों में गोचर करेंगे और इसी के अनुसार जो आपकी दिनचर्या है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी कई शुभ योग बनने वाले हैं, जैसे त्रिपुष्कर योग बनेगा, सर्वार सिद्धि योग बनेगा, अमृत सिद्धि योग बनेगा। इन योगों का प्रभाव भी आपके ऊपर देखने को मिलेगा। समय समय पर इनका शुभ प्रभाव और इनसे होने वाली हानि, सभी चीजों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। तो अब विस्तार से जान लेते हैं सप्ताह की शुरुआत से। जो सप्ताह की शुरुआत होगी वो होगी चंद्रमा की स्थिति मिथुन राशि में होने से। तो ये आपकी एक तो सेहत में सुधार लेकर आएगा, लेकिन आपकी जो अलग अलग बेचैनी अगर किसी बातों को लेकर हो रही थी उनको अगर आप दूर करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आप मानसिक सुकून हासिल करना चाहते हैं, तो जरूरत होगी कि आप अपने जो मन में जो आपकी कुछ उठापटक बातों को लेकर है, जो दुविधा है, उनको दूर करने का प्रयास करें। आपका जो भी खाली वक्त हो उसे अपने करीबियों के साथ बिताएं। करीबियों में दोस्त भी आ सकते हैं, परिवार के सदस्य भी आ सकते हैं, रिश्तेदार भी आ सकते हैं। तो जिनको भी आप करीबी मानते हैं, जिनसे आपका जो मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ उस समय को बिता सकते हैं। अब यहां 12वें भाव में के स्वामी सूर्य हैं और चंद्र राशि के दूसरे भाव में केतु के साथ। तो धन को लेकर आप कुछ मन में एक असहज की स्थिति महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ पिछले दिनों में कुछ ज्यादा खर्चा किया है तो उस खर्चे से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। लेकिन सप्ताह क्योंकि बहुत उत्तम तरीके से शुरू हुआ है आपके लिए, तो कार्यक्षेत्र में उन्नति भी लेकर आया है और कार्यक्षेत्र में उन्नति आपके लिए बड़ी उत्तम होगी। इस दौरान रुके हुए जो प्रोजेक्ट हैं आपके, वो रुके हुए प्रोजेक्ट आपके दोबारा से शुरू हो सकते हैं। ये सारे काम आपके दोबारा से शुरू होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले अगर चल रहे हैं तो वो भी आपके हक में फैसला ले सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए काम सक्सेसफुल होने वाले हैं। तुला राशि के लोगों के लिए धन लाभ की स्थितियां बनेंगी और उन्नति भी होगी। उन्नतिदायक सप्ताह की शुरुआत होगी। बाकी व्यापारिक यात्राएं होंगी। व्यापारिक यात्राएं अगर आप करते हैं तो शुभ संयोग बनते नजर आ रहे हैं। कामकाजी जीवन में सफलता का योग बन रहा है, यात्राओं में सफलता का योग है। प्रेम संबंध रोमांटिक होगा, इस मामले में कोई आगे बढ़कर आपकी मदद करेगा। और परिवार में किसी बात को लेकर अगर मन मायूस हो गया था तो उस मायूसी को दूर करें। स्थितियां जो है खुद ही बेहतर होती चली जाती हैं जब आप अपनी खुद की मदद करते हैं, अपनी जो भी चीजें हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अपने साथी से आपको कुछ इस बार लेक्चर सुनने को मिल सकता है, तो उनकी बातों को जरा ध्यान से सुने और उनको अमल करने की भी कोशिश करें। बाकी जो सप्ताह का मध्य समय होगा वो आपको हर प्रकार के उतार चढ़ावों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। अगर पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत भी समस्याएं चल रही थी तो उन समस्याओं से भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। पिछले अगर सप्ताह की हम बात करें तो उससे बेहतर ये सप्ताह आपके लिए रहेगा। आप परिवार की मदद से कुछ लोगों को
आप कुछ मदद करके खुश कर सकते हैं। और देखिए, आपके लिए मकान लेने का योग भी बना हुआ है, खुद के मकान मिलने का योग है। अगर ढूंढ रहे हैं तो वो तलाश पूरी हो सकती है। बाकी खुद के मकान में जाने का योग बड़ा जबरदस्त तरीके से बना हुआ है। इस सप्ताह करियर को रफ्तार मिलेगी, और अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपको अचानक से नए ग्राहक, नए निवेशक मिल सकते हैं। नए निवेशकों से मुलाकात होगी और उन्हें अपने पक्ष में करने का कोई मौका भी मिल सकता है, जिससे आप उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी आपके सहकर्मी आपके बड़े सपोर्टिव रहेंगे। इस दौरान उन्हें आपको समझाने की ज़रूरत ज़रूर होगी, लेकिन वो अपना पूर्ण सहयोग आपको देने वाले हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, ज़्यादातर छात्र आज निजी समस्याओं के चलते खुद को शांत रखने का कार्य करेंगे, और कुछ छात्र जो हैं वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाएंगे अपनी कुछ निजी समस्याओं के कारण, लेकिन कुछ बच्चे उन समस्याओं पर हावी होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको बस ऐसा करना है कि हर स्थिति में खुद को शांत रखना है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके 10वें भाव में होंगे, और 10वें भाव में इस चंद्रमा की स्थिति बेहद शुभ रहेगी आपके लिए, जो आपके कार्यक्षेत्र के लिए अच्छी है, कामकाजी जीवन के लिए अच्छी है। दुकानदारी करते हैं तो उसके लिए भी अच्छी है। कामकाज में मन लगेगा तभी आप स्थितियों को अच्छे से संभाल सकते हैं। उसके बाद सप्ताह के अंत में चंद्रमा 11वें भाव में होंगे, जो कि लाभ भाव होता है सिंह राशि में। सिंह राशि में चंद्रमा की स्थिति सुकून देने वाली होगी, मानसिक सुकून देने वाली होगी, और ये समय आपके लिए विशेष रूप से खास होने वाला है। आपके कामकाज की तरफ से अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। आपका कामकाज में आपको स्थितियां बहुत ही बेहतर दिखाई दे सकती हैं। मन को आपको खुश करने वाली स्थितियां रह सकती हैं। एक नई शुरुआत करने का मन होगा। किसी कामकाज, नए कामकाज से जुड़ने का समय है, और ये जो समय है ये आपके मन को प्रसन्न करेगा। जब आप खुद प्रसन्न होंगे तो अपने काम को भी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ और फुल एनर्जी के साथ कर पाएंगे। सप्ताह के अंत में बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं। 26 दिसंबर को त्रिपुष्कर योग भी है, सर्वार सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है, और रवि योग भी है, और इन योगों का प्रभाव बहुत ही शुभ देखने को मिलेगा आपको। इन योगों के प्रभाव से जिस काम में भी आप जुड़े हुए हैं, जिस काम को भी आप करते हैं, उन कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी, उन कार्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए स्थितियां जो हैं वो बेहतर बनी हुई हैं। स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। बस आपको अपने जीवन साथी की बात माननी है, उनकी बातों पर अमल करना है, तब स्थितियां और बेहतर आपको दिखाई दे सकती हैं। अब उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर सूर्यदेव की पूजा करना, जल के साथ गुड़ का भोग भी लगाना उत्तम रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।